नमस्कार बागवान भाइयों, अगर हम शून्य लागत प्राकृतिक खेती या यूँ कहें सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग से बागवानी कर रहे हैं तो हम लोगों को किस तरह से पौधा लगाने से पहले कौन कौन सी विधि हमको प्रयोग में लानी है ताकि हमारे पौधों का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सक्सेस रेशो प्लांटिंग में मिले, तो उसके लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले जो हमने गड्ढा बनाया है पौधे के लिए, उस गड्ढे की जो मिट्टी है उस मिट्टी में हमको घनजीवामृत जो है 100 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से उस मिट्टी में मिला करके हमने जो है मिट्टी से उस गड्ढे को पहले भर लेना है। गड्ढा भरने के बाद पूरा बेड जब बन जाता है तो उसके बाद हमने उससे बेलचा से जो है 2-3 बेलचा मिट्टी निकाल के एक छोटा गड्ढा बनाना है जिसके अंदर की हमने जो है पौधे को लगाना है। तो ये हमारा गड्ढा बनाने की पूरी विधि पूरी हो गई। उसमें हमने घनजीवामृत 100 ग्राम प्रति पौधा हमने उस सॉइल में उस मिट्टी में हमने मिला लिया है। और उसके साथ हमने क्या करना है, पौधा जब हमने लगाना है उससे 8 घंटे पहले पौधे को पानी में सोख करके रखना है, उसमें भिगो के रखनी है, उसकी जड़ें डालनी है पानी में, ताज़ा पानी में 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के बाद जब हमने प्लांटिंग करनी उस वक्त हमको क्या क्या तैयार रखना है अपने पास, खट्टी लस्सी हमने तैयार रखनी है, उसके साथ साथ हमको क्या तैयार रखना है, बीजामृत का घोल और उसके साथ जीवामृत का घोल। तो अब हमको क्या करना है, ताज़ा पानी में जब हमने 8 घंटे तक पौधे की जड़ों को भिगोया फिर यहाँ से पौधे को निकाल करके हमने क्या करना है, जो खट्टी लस्सी है, खट्टी छाछ है, उसमें हमने पौधे को इस तरह से डिप करना है, उसकी जड़ों को हमने लस्सी में भिगोना है ताकि इसमें जो भी फंगल इन्फेक्शन हो वो फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। ऐसे हमने इसको ऐसे करके हमने इसमें ये हमने इसको डिप कर दिया और यहाँ से निकाल के अब हम इसको डाल रहे हैं बीजामृत के टब में। और अब हमने इसको यहाँ पर बीजामृत में हमने इसको अच्छे से घुमाया ताकि हर एक कोने तक, जड़ों की हर एक कोने तक बीजामृत लग जाए। और यहाँ से निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जीवामृत में हमने इसको डाला ऐसे। और अब क्या करना है हमको, पौधे को हमने अब ऐसे लगा देना है ऐसे। जड़ों को सीधे करना है, फैलाना है। और इसका जो पाबंद है जहाँ पर कलम हुई है उसको जो है हमने ज़मीन से ऊपर रखना है ऐसे। और इसको जो है ज़मीन को हम लोग इस तरह से दबाएंगे ताकि ये हवा ना ले। इस तरह से हम इसको जब टाइट कर देंगे ऐसे फिर हम इसमें पौधे के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सूखी घास या पराली का आच्छादन करेंगे ताकि नमी जो है पौधे के पास मिट्टी में बनी रहे ऐसे। ऐसे हमने अब पौधा लगा दिया। जब हम इसमें सूखी घास या पराली का आच्छादन करेंगे तो इसको जो है नमी निरंतर मिलती रहेगी और इस तरह से जो पौधा हमारा 100 में से 100% पौधा हमारा चल पड़ेगा। भाइयों आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और अगली वीडियो तक के लिए, जैसा मैं आपको बोलना भूल गया कि अगर आप शून्य लागत या सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से बागवानी कर रहे हैं तो इस तकनीक से हम लोग जो है पौधे की प्लांटिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेशियो हमको जो है मिले। इतना अधिक मूल्य के ऊपर हम लोग जो है पौधा खरीदते हैं,
तो ज़्यादा पौधे जो हमारे कामयाब हो, इसलिए हम इस तकनीक को अपनाएंगे। क्या था, सबसे पहले 8 घंटे हमने पानी को ताज़ा पौधे को ताज़ा पानी में जड़ें भिगोने के लिए रखी। 8 घंटे के बाद हमने उसको खट्टी छाछ में डिप किया, जड़ों को बढ़िया से डिप करना है। और उसके बाद हमने डाला उसको बीजामृत के घोल में जड़ों को, और वहाँ से निकाल कर फिर हमने डाला जीवामृत में। और जो गड्ढा है, गड्ढे में जो हमने मिट्टी डाली, उस मिट्टी में हमने घन जीवामृत 100 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से पहले ही मिलाया हुआ था, और हमने पौधा लगा दिया। और इसके बाद हम इसको इसके ऊपर आच्छादन करेंगे सूखी घास का या फिर पराली का। और इसके बाद हम लोग जो है इसमें जीवामृत की जीवामृत जो है इसके ऊपर हम लोग जो है हर 20 से 22 दिन के अंतराल में 1 से 1.5 लीटर इसके ऊपर हम लोग डालते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।